नमस्ते, मैं हूं श्वेता सुरेखा और आप सब देख रहे हैं एंकर ऑफ होप। सो लोशु ग्रिट का सीरीज हमने काफ़ी टाइम से चल रहा है। वी हैव शेयर लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स, हम रेमेडीज भी शुरू कर चुके हैं एंड इन द लास्ट वीडियो वी हैव शेयर्ड डायरेक्ट रेमेडीज फॉर नंबर 1, 2 एंड 3। अब आज के इस वीडियो में हम फर्दर रेमेडीज शेयर करने वाले हैं एंड आई एम श्योर आप सब में से काफ़ी लोगों ने हमें DM किया है, कॉमेंट किया है कि उनके मिसिंग नंबर्स क्या है एंड वे उसका रेमेडीज जानना चाहते हैं। टुडे इन दिस वीडियो आई विल कवर द रेस्ट ऑफ द नंबर्स, दैट इज 4 से लेके 9 तक। सो आप सबके नंबर्स अब कवर होने वाले हैं। सो इत्मीनान से इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए बिकॉज आई एम शेयरिंग लॉट ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन। बहुत छोटी छोटी रेमेडीज जो आप इजीली कर सकते हो विदाउट स्पेंडिंग टू मच एंड आपको उसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे मिलते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं नंबर 4 के बारे में। शुरू में ही मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि हम कोई भी नंबर का जब रेमेडी करते हैं उसके डायरेक्शन एंड उसकी एलिमेंट आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। सो नंबर 4 की जो डायरेक्शन है दैट इज़ साउथ ईस्ट एंड उसकी एलिमेंट है वुड एलिमेंट। जैसे कि आपने देखा होगा, आई एम श्योर बाय नाउ यू ऑल आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट्स ऑल्सो, बोथ नंबर 3 एंड नंबर 4 दोनों के जो एलिमेंट्स है वो है वुड एलिमेंट। बट व्हाट इज़ द डिफरेंस इन द रेमेडी? जो नंबर 3 है ना, आपकी ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है, आपके क्रिएटिविटी को इन्हांस करता है। जो नंबर 4 है वो आपके स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है एंड स्पेशली स्टेबिलिटी इन योर करियर, इन योर फाइनेंसेस। तो जब हम 3 या 4 की रेमेडीज करते हैं दे आर वेरी सिमिलर क्योंकि वुड एलिमेंट है दोनों के। तो आप 4 के लिए भी साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ग्रीनरी के पिक्चर लगा सकते हो। बट जब आप प्लांट रखते हो, आप स्पेसिफिकली बैम्बू प्लांट यूज़ करते हो टू एक्टिवेट नंबर 4, क्योंकि बैम्बू जो है वो आपकी स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही साथ आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन में एक ग्रीन बल्ब भी लगा सकते हो विच कैन बी 0 पावर, क्योंकि उस बल्ब को 24/7 फिर आपको ऑन रखना है। सो यू कैन पुट अ 0 पावर का ग्रीन बल्ब एज वेल। अब आते हैं नंबर 5 पे, जो हमारा सेंटर ब्रह्म स्थान को रिप्रेजेंट करता है एंड उसका भी एलिमेंट है अर्थ एलिमेंट। 2, 5 एंड 8 आर अर्थ एलिमेंट, बट नंबर 5 की जो डायरेक्शन है दैट इज़ योर सेंटर, जो इसे हम ब्रह्म स्थान भी कहते हैं। नंबर 5 जो है हमारी लाइफ में बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है, ग्राउंडिंग को रिप्रेजेंट करता है। सो नंबर 5 जिसके चार्ट से मिसिंग है, आई विल से इट इज़ अ मस्ट रेमेडी, क्योंकि नंबर 5 जो है वो अगर आपकी लाइफ में मिसिंग है या नेगेटिवली इम्पैक्ट है तो इट कैन क्रिएट लॉट ऑफ हैवॉक इन योर लाइफ। उसके लिए आपको क्या करना है, आप एक हाई माउंटेन पीक का पोस्टर लगा सकते हो विदाउट वाटर। यू नो इट कैन बी स्नो कवर्ड बट इट हैज़ टू बी अ वेरी हाई माउंटेन पीक। सेकेंड, क्रिस्टल्स तो आप यूज़ कर ही सकते हो, आप क्रिस्टल्स के पेंडेंट पहनिए, यू नो यू कैन वेयर द ब्रेसलेट्स, रिंग। आप अपने सेंटर में यू नो यू कैन कीप 7 स्टोन्स ऑफ सिट्रीन और यू नो एनी अदर क्रिस्टल लाइक क्लियर क्वार्ट्ज एंड आप उसकी एनर्जीज को अब्सॉर्ब कर सकते हो। साथ ही साथ यू कैन हैंग अ येलो बल्ब इन द सेंटर ऑफ द हाउस अगर आपका नंबर 5 मिसिंग है। अगेन द बल्ब हैज़ टू बी 0 पावर एंड स्विच्ड ऑन 24/7। ऑल्सो यू कैन यू नो हैंग अ क्रिस्टल चैंडेलियर और यू कैन हैंग क्रिस्टल बॉल्स इन द सेंटर, उससे भी आपका नंबर 5 जो है काफ़ी ब्यूटिफुली एक्टिवेटेड हो जाता है एंड इट गिव्स यू ब्यूटिफुल रिजल्ट्स। मूविंग फर्दर टू नंबर 6, नंबर 6 का डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट एंड इट रिप्रेजेंट्स मेटल। नाउ 6 एंड 7 बोथ रिप्रेजेंट मेटल, बट जो 6 है ना वो गोल्ड को रिप्रेजेंट करता है। सो आप उसे कैसे एक्टिवेट करोगे, या तो आप गोल्डन वॉच पहन सकते हो, सो बेसिकली द वॉच जो आप पहन रहे हो उसकी स्ट्रैप गोल्डन होनी चाहिए, या फिर आप साउथ वेस्ट में यू कैन हैंग अ विंड शाइन विथ 6 गोल्ड मेटालिक कलर के रॉड्स। सो उसमें 6 रॉड्स होने चाहिए, गोल्डन कलर के होने चाहिए एंड इट शुड बी हैंग्ड इन द साउथ वेस्ट।
यू कैन वेयर अ गोल्डन आर्मलेट, यू नो एनी थिंग गोल्ड को आप ऑब्वियसली जब घर के साउथ वेस्ट में कर रहे हो तो आप गोल्ड रियल गोल्ड बाहर नहीं रख सकते हो, सो यू विल यूज इट इन द फॉर्म ऑफ गोल्डन मेटालिक कलर. सो विंड चाइम्स इज अ वेरी गुड ऑप्शन. या आप कोई भी स्टैचू रख सकते हो मेड अप ऑफ कॉपर और ब्रास, दैट ऑल्सो एक्टिवेट्स योर सिक्स एलिमेंट वेरी ब्यूटिफुली, राइट. आप खुद गोल्ड चेन पहन सकते हो टू एक्टिवेट योर गोल्डन योर नंबर सिक्स. नाउ कमिंग टू नंबर सेवन, उसका डायरेक्शन है वेस्ट एंड इट रिप्रेजेंट्स मेटल बट सिल्वर. सो आप जब वॉच पहन रहे हो आप सिल्वर स्ट्रैप की पहनिए. यू कैन हैंग अगेन अ विंड चाइम बट दिस टाइम with seven rods, silver in color and in west direction. और या तो आप एक वाइट मेटालिक पिरामिड भी रख सकते हो इन योर वेस्ट डिरेक्शन एंड एनर्जाइज इट एंड एक्टिवेट इट. रेस्ट मैंने सारे शेयर किए हैं, सो दीज आर अगेन और यू नो आपको एक रेमेडी करनी है फॉर वन नंबर, आपको सारे रेमेडीज नहीं करनी है. कमिंग टू नंबर एट, वो जो है नॉर्थ ईस्ट जिसे हम ईस्ट कोन भी कहते हैं, जो बहुत इम्पॉर्टेंट डायरेक्शन है और इसे रिप्रेजेंट अगेन करता है अर्थ एलिमेंट. सो क्रिस्टल्स तो है ही, द मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी फॉर नंबर एट इज आप अपनी नॉर्थ ईस्ट को क्लटर फ्री रखिए. मेक श्योर कि वहाँ पे गंदगी नहीं हो, क्लटर नहीं हो, कूड़ा कचरा नहीं हो. जितना आप उसे साफ रखोगे उतनी आपको वहाँ की पॉजिटिव एनर्जीज मिलेगी. So the best remedy for the Northeast is keep it clutter-free, or you can keep anything crystal se related, you know, crystal balls, crystal lotus, or as I told you, you know, five pieces of citrine or clear quartz tumble or rose quartz tumble. So Northeast will give you beautiful results. Now coming to the last number, which is 9, jo hai south direction, and वो रिप्रेजेंट करता है फायर एलिमेंट को. जो साउथ है ना वो आपको नेम फेम रिकग्निशन देता है, आपकी लाइफ में पैशन को एक्टिवेट करता है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट फायर, व्हाट इज़ द कलर जो आपके दिमाग में सबसे पहले आता है, दैट इज रेड. सो द सिंपलेस्ट रेमेडी इज़ आप रेड कलर के जीरो पावर बल्ब को वहाँ पे लगा के 24/7 एक्टिवेट कीजिए, चालू रखिए. आप रेड कलर का बिग टावर कैंडल भी रख सकते हैं. यू कैन पुट अ पिक्चर ऑफ फायर ऑल्सो, बट वो जो फायर है वो हैप्पी थिंग रिप्रेजेंट करना चाहिए. यू नो यू शुड रिप्रेजेंट अ सेलिब्रेशन. सो यू नो डोंट पुट अ पिक्चर ऑफ सती, यू कैन पुट अ पिक्चर जो लोहरी सेलिब्रेशन का आप कर सकते हो, या इफ़ यू हैव अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ और आपके पास कोई पिक्चर जहाँ पे आप फेरे ले रहे हो एंड दैट फायर इज बर्निंग, आप उसे लगा सकते हो. सो दीज आर द सिंपल रेमेडीज जो आप कर सकते हो अगर आपकी कोई भी नंबर्स मिसिंग हो. इन रेमेडीज को करते हुए आपको एक खास ध्यान रखना है. नाउ सपोजिंग अगर आपके चार्ट में 3 और 4 दोनों मिसिंग है, अब दोनों की जो एलिमेंट है वो वुड है, सो हम एक एलिमेंट का एक ही रेमेडी कर सकते हैं. सो या तो आप 3 को एक्टिवेट करोगे या 4 को एक्टिवेट करोगे. नाउ आप किस नंबर को एक्टिवेट करते हो वो आपकी नीड और प्रायोरिटी पे डिपेंड करती है. सिमिलरली अगर आपके चार्ट में से 2, 5, 8 तीनों मिसिंग है या कोई भी दो नंबर भी मिसिंग है, आप रेमेडी करोगे कोई भी एक नंबर के, बिकॉज ऑल 3 रिप्रेजेंट अर्थ एलिमेंट. तो हम एक एलिमेंट की एक ही नंबर की रेमेडी करते हैं. प्लीज़ आई एम रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन सो दैट यू आर क्लियर इन योर कॉन्सेप्ट. आप 2 की भी रेमेडी नहीं करोगे और 5 की भी रेमेडी नहीं करोगे. इफ बोथ आर मिसिंग यू विल सिलेक्ट वन नंबर विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर यू. यू नो यू नीड टू अंडरस्टैंड हर नंबर आपको क्या देता है एंड उसकी ही आप डायरेक्ट रेमेडी करोगे. सिमिलरली फॉर द 6 and 7 बोथ रिप्रेजेंट मेटल्स. Although एक गोल्ड रिप्रेजेंट करता है एक सिल्वर, बट स्टिल अगर दोनों मिसिंग है तो आप या तो 6 की रेमेडी करोगे या 7 की रेमेडी करोगे. आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर. डोंट मेक मिस्टेक्स, बिकॉज अगर आप सारे एनर्जाइज कर दोगे देन ऑल्सो वो आपको रिजल्ट नहीं देंगे. सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको ध्यान में रखना है कि आपके ग्रिड में से एक नंबर एटलीस्ट एम्प्टी होना चाहिए, सो दैट की आपकी एनर्जीज फ्लो कर सके. आप अगर सारे स्क्वेयर्स को फिल कर दोगे सो योर एनर्जीज विल गेट स्टक.
सो दीज टू थिंग्स आपको ध्यान में रखना है दैट यू विल फिल इन यू नो जस्ट एक जो सर्कल है एक जो स्क्वायर है वो एम्प्टी रखना है. सेकेंड थिंग आप एक एलिमेंट की एक ही रेमेडी करोगे. आई होप इट इज़ क्लियर. कॉमेंट्स में हमें बताइएगा कौन कौन सी रेमेडीज आप करने वाले हो, कौन से नंबर्स मिसिंग है, आपने क्या इम्पैक्ट महसूस किया है. वी वुड लव टू हियर फ्रॉम यू. कोई भी क्वेरीज हो हमें ज़रूर बताइए. वी विल डेफिनेटली रिवर्ट टू यू विद द सोल्यूशन विद द आंसर्स. And yes, keep watching our channel, keep sharing us with all the love and abundance. Hamari videos ko share kijiye so that people can learn more about Loshu Grid. So we have covered the basics of all the concepts of Loshu, you know, wo kya kehta hai, aap kaise use banate ho, different arrows, different planes and the remedies. These are the direct remedies which we have done. So I hope this concept is clear. Aapko ye kaisa laga? Next, aap कौन सा कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हो रिलेटेड टू न्यूमरोलॉजी और एनी अदर ऑकल्ट साइंस. डू लेट अस नो एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू कवर इट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस. कीप शेयरिंग अस विद ऑल योर लव एंड अबंडेंस. थैंक यू सो मच.